दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश के बारे में। एफडी में निवेश करने से पहले जानने योग्य 10 बातें। दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी सबसे आसान निवेशों में से एक है। फिर भी कई चीजें हैं जो किसी को एफडी खाता खोलने से पहले पता होनी चाहिए। एफडी में निवेश करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस प्रकार का निवेश चुनते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और आप अपेक्षित रिटर्न अर्जित करें। उनके बारे में जितना संभव हो उतना जानना आवश्यक है। हालांकि एफडी अन्य निवेश विकल्पों की तरह जटिल नहीं है, फिर भी कई चीजें हैं जो एक निवेशक को एफडी खाता खोलने से पहले पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला है ब्याज दर। क्योंकि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरें तय करते हैं, इसलिए एफडी खाता खोलने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों की तुलना करना आवश्यक है। केवल उस प्रतिष्ठित बैंक पर भरोसा करें जो आपके निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी दर प्रदान करता हो। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर। वरिष्ठ नागरिकों को नियमित निवेशकों की तुलना में थोड़ी अधिक सावधि जमा ब्याज दरें पेश की जाती हैं। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं या अपने वरिष्ठ माता पिता या परिवार के सदस्यों के लिए एफडी खोलना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर क्या दर प्रदान करता है। तीसरा, एफडी अवधि। विभिन्न निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक अब 7 दिनों से 10 वर्षों के लिए एफडी की पेशकश करते हैं। कार्यकाल सावधानी से चुनें, क्योंकि आपको चयनित अवधि के लिए खाते में निवेशित रहना होगा। यहाँ तक कि ब्याज दर भी एफडी अवधि के आधार पर भिन्न होती है। चौथा, न्यूनतम खाता शेष। आपको एफडी खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि की भी जांच करनी चाहिए। अधिकांश शीर्ष बैंक आपको कम से कम 10,000 रुपए में एफडी खोलने की अनुमति देते हैं। यदि आप किसी नाबालिग के लिए एफडी खाता खोल रहे हैं तो न्यूनतम शेष राशि आमतौर पर 2,000 रुपए है। आप ये जानने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं कि कार्यकाल के अंत में आपकी एफडी राशि कितनी कमा सकती है। पांचवा, परिपक्वता तिथि। आप एफडी खाता खोलने के लिए मिलने वाली रसीद पर एफडी परिपक्वता तिथि भी पा सकते हैं। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए एफडी खाता खोल रहे हैं, जैसे अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर उपहार देना, तो यह सुनिश्चित करने के लिए परिपक्वता तिथि की दोबारा जांच करें कि एफडी सही समय पर परिपक्व हो गई है। छठवां, समय से पहले निकासी पर जुर्माना। फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश शीघ्र निकासी सुविधा के साथ आता है, जिसकी मदद से आप परिपक्वता तिथि से पहले भी अपने एफडी खाते से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा। खाता खोलने से पहले इस पेनल्टी को भी जरूर जांच लें। सातवां, स्वतः नवीनीकरण। कई बैंक अब एफडी ऑटो रिन्यूअल की सुविधा भी देते हैं। इस सुविधा की सहायता से आपकी मूल राशि, साथ ही अर्जित ब्याज, आपकी पसंद की अवधि के लिए पुनः निवेश किया जाता है। यदि आपने इस सुविधा का विकल्प चुना है तो खाता खोलने की रसीद पर इसका उल्लेख किया जाएगा। आठवां, ब्याज भुगतान। आप एफडी निवेश के साथ अपनी पसंद की ब्याज भुगतान आवृत्ति भी चुन सकते हैं। अधिकांश बैंक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और पूर्ण अवधि के ब्याज भुगतान का विकल्प प्रदान करते हैं। यदि आप एफडी निवेश युक्तियों की तलाश में हैं, तो अपने निवेश उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्याज भुगतान आवृत्ति का सावधानी पूर्वक चयन करें। नौवां, नामांकन सुविधा। जब आप एफडी खाता खोलते हैं तो आपको एक नॉमिनी भी चुनना होगा। एफडी अवधि के दौरान आपकी अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में आपके नामांकित व्यक्ति को एफडी राशि प्राप्त होगी। खाता खोलने की रसीद पर चयनित नामांकित व्यक्ति का विवरण भी उल्लेखित होता है। दसवां, टीडीएस की घोषणा। यदि आपकी एफडी ब्याज आय 1 वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक है, तो बैंक स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस काट लेगा। हालांकि यदि आप बिना आयकर सीमा के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए घोषणा के रूप में फॉर्म 15H या 15G जमा करना होगा। सुनिश्चित करें कि आपकी घोषणा बैंक रिकॉर्ड में अद्यतन है, ताकि आपके एफडी ब्याज से कोई टीडीएस न काटा जाए।
पूर्ण विश्वास और सुविधा के साथ एफडी में निवेश करें। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एफडी खोलने से पहले जरूरी बातों की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।